नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है मैं विकास मंडल दोस्तों आज झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे जो कि आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं में कम से कम एक प्रश्न यहां से जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना एक प्रश्न जो है उसको सुनिश्चित कर लें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार के अनुसार झारखंड में प्रति दस हजार की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या क्या है तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दस होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार झारखंड में प्रति दस हजार की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है दस है जबकि डब्ल्यू के द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रति दस हजार की आबादी पर डॉक्टरों की और नर्सों की कि संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों पैंतालीस होनी चाहिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है तो 5.2 परसेंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष दो हजार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्रचलित मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है तो नाइन दोस्तों पिछला वाला जो था वो स्थिर मूल्य पे था और अभी प्रचलित मूल्य पे है ये इसको ध्यान में रखिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि 2019 हजार -20 में स्थिर और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी अनुमानित थी तो स्थिर पे कितना था सत्तावन हज़ार और आपका प्रचलित पे कितना है उनासी हजार इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर है कोविड नाइन्टीन के कारण बीते वर्ष 2020-21 में राज्य के जी पर स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर कितना प्रतिशत तक का संकुचन की संभावना है तो दोस्तों ये हो जाएगा स्थिर मूल्य पर 6.9 परसेंट और प्रचलित मूल्य पर आपका 3.2 परसेंट क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं दोस्तों वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में राज्य के वास्तविक जीएसडीपी तथा अनुमानित जीएसडीपी में कितना प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट फाइव परसेंट और थर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं आप हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स है वर्ष दो हज़ार में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे अधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है तो इसका हो जाएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्र जिसे टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि वर्ष 2019-20 में तृतीय क्षेत्र जो है राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में 62.5 परसेंट का योगदान किया है वहीं आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आपका कितना 9 परसेंट और 29 परसेंट जो है कर्मश योगदान दिया है क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं दोस्तों झारखंड में कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी में कमी के क्या कारण है तो इसका क्या कारण है दोस्तों तकनीकी आर्थिक और कृषि क्षेत्र में जो है आपका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण जो है इसमें हिस्सेदारी की कमी आई है क्वेश्चन नंबर एट में आते हैं दोस्तों झारखंड में मुद्रास्फीति की दर को आरबीआई के छह परसेंट के अपर मार्क को कब पार कर गया तो दिसंबर 2019 में पार कर गया था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि महंगाई दर जो है भारत और झारखंड में अक्टूबर उन्नीस से बढ़नी शुरू हुई थी और दिसंबर 2019 में इसमें जो है आर के 6 परसेंट के अपर मार्ग को क्या किया वो पार कर गया तत्पश्चात यह जो है आंकड़ा बढ़ता ही रह गया और सितंबर 2020 में जो है भारत एवं झारखंड में मुद्रा स्फीति की दर क्रमशः 7.3 परसेंट और 7.6 परसेंट हो गई दोस्तों उसके बाद फिर अक्टूबर 2020 में यह क्रमशः 7.6 परसेंट और 8.1 परसेंट रही है और आपका नवंबर 2020 में कितना रहा है दोस्तों क्रमशः नाइन परसेंट और आपका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रही है इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन में हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2005 हज़ार से 2015-16 के 10 वर्षों की अवधि में झारखंड के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं तो बहत्तर लाख लोग बाहर आए हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा नोट हम लोग देखेंगे कि राज्य में बहुआयामी गरीबों का जो प्रतिशत है चौहत्तर पॉइंट सात प्रतिशत से घटकर 2015-16 में जो है ये कितना हो गया 46.5 परसेंट हो गया है क्वेश्चन नंबर टेन में आते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर टेन है चालू वित्त वर्ष दो हज़ार के बजट का आकार कितना प्रतिशत पढ़ने का अनुमान है तो ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष दो हज़ार में लगभग कितना प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है तो 29 परसेंट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं दोस्तों चालू वित्त वर्ष दो हज़ार में प्रति व्यक्ति ऋण कितने होने का अनुमान है तो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आपका जाके भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड का स्थान कितना है तो ट्वेंटी सेवन है केवल पांच राज्य ऐसे हैं जो झारखंड से प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे हैं तो वही कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों तो आपका पहला हो गया उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश असम और मणिपुर क्वेश्चन नंबर में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है सितंबर 2020 के अंत में राज्य में तीन हजार दो सौ तीन बैंक शाखाएं थी जो देश में बैंक शाखाओं का लगभग कितना प्रतिशत है तो आपका हो गया टू पॉइंट जीरो सेवन परसेंट हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन झारखंड में प्रति लाख आबादी पर कितनी बैंक शाखाएं हैं तो 9.16 बैंक शाखाएं हैं और आपका भारत में प्रति लाख आबादी पर कितनी बैंक शाखाएं हैं तो 11.8 जो है वो बैंक शाखाएं हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आते हैं झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक बैंक शाखाएं हैं तो रांची में है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन झारखंड सरकार द्वारा बैंक को अपने ऋण का एक हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निर्देशित करने के लिए क्यों अनिवार्य किया गया है तो समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं दोस्तों झारखंड में ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी योजना है तो मनरेगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन झारखंड में कितने प्रतिशत ग्रामीण पुरुष रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं तो 15.6 परसेंट जो है वो रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी औसत मजदूरी दर वित्त वर्ष 2019-20 में एक सौ सत्तर अंठानवे पैसे थी जो बढ़कर 2020 2020-21 में कितने रुपए हो गई है तो ये हो गई है आपका दोस्तों एक सौ तिरानवे रुपये अंठानवे पैसे उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मनरेगा के तहत जिलावार उदय और उपलब्धि दोनों के दृष्टिकोण से कौन सा जिला शीर्ष पर है तो गिरिडीह शीर्ष पर है उसके बाद किसका स्थान आता है तो गढ़वा और पलामू का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड में अभी तक पच्चीस पॉइंट हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों को पूरा किया जा चुका है जो भारत में इस कार्यक्रम के तहत पूरी की गई ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है तो 3.96 ध्यान में रखेंगे दोस्तों कितना है थ्री पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री भारत में एन एस ए पी के तहत लगभग कितने प्रतिशत लाभार्थी जो हैं वो पेंशन भोगी हैं तो सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट इसके बारे में थोड़ा जानेंगे दोस्तों कि राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि एन एस ए पी का ये ये हिंदी रूपांतरण है और इसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फुल फॉर्म से होते हैं तो दोस्तों एन एस ए पी के तहत क्या है वृद्धों विधवाओं एवं विकलांग पेंशनर जो हैं उनका जो है अनुपात है जो पेंशन भोगी हैं उनका क्या अनुपात है वृद्ध के लिए 77.1 सेवन परसेंट विधवाओं के लिए आपका 22.4 परसेंट और विकलांग के लिए कितना है आपका ट्वेंट परसेंट जो है इतने लोग पेंशन भोगी हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं दोस्तों झारखंड में पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायत में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है तो फिफ्टी आरक्षित है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत झारखंड में चौबीस जिला पंचायत दो उप जिला पंचायत दो सौ मध्यवर्ती पंचायत चार ग्राम पंचायत एकावन शहरी निकाय और एक छावनी बोर्ड जो कि रामगढ़ में है क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 में उसके अनुसार झारखंड का शहरीकरण में कुल हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है तो 24.05 परसेंट 26 में आते हैं दोस्तों एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत घरों में पीने का पानी की आपूर्ति नल द्वारा होती है तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत झारखंड में कुल ऋण आवेदन में कितना प्रतिशत ऋण जो है वो स्वीकृत किए गए हैं यानी कि फोर्टी थ्री पॉइंट फोर परसेंट जो है वो स्वीकृत किए गए क्वेश्चन ट्वेंटी एट में आते हैं दोस्तों वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस नहीं इस राज्य यानी कि झारखंड राज्य में रबी फसल के उत्पादन में कितने हजार टन का प्रथम अग्रिम अनुमान अनुमानित है तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका चार हजार पांच सौ इक्यासी दशमलव नौ पांच चार हजार टन इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में आते हैं दोस्तों झारखंड राज्य में कुल एफ पी एस यानी कि फेयर प्राइस शॉप कितना है तो चौबीस हजार दो सौ इक्का है क्वेश्चन नंबर तीस में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीस है भारत में वेस्टिंग और अंडरवेट के प्रसार में झारखंड का कौन सा स्थान है तो पहला है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में आते हैं दोस्तों झारखंड के सभी चौबीस जिलों में सात से तीस सितंबर दो हजार बीस के बीच कौन सा माह मनाया गया है तो पोषण माह क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में आते हैं दोस्तों भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन के मामले में झारखंड का स्थान कितना है तो पहला है और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि भारत में तसर रेशम के कुल उत्पादन का झारखंड में कितना प्रतिशत उत्पादित होता है तो सेवेंटी उत्पादन होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में आते हैं दोस्तों झारखंड के पास देश की खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत है तो फोर्टी परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में आते हैं दोस्तों झारखंड में दो हजार सत्रह अठारह से दो हजार उन्नीस बीस के बीच कितने प्रतिशत स्कूलों में कमी आई है तो सेवन पॉइंट फोर परसेंट स्कूल में कमी आई है क्वेश्चन नंबर थर्टी में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार बीस इक्कीस के अनुसार कितने प्रतिशत स्कूल में केवल एक शिक्षक ही है तो सिक्सटीन परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में आते हैं दोस्तों वर्ष 2019-20 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत स्कूलों में कोई क्लासरूम नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 0.23 पॉइंट टू थ्री परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में भारत का कुल कितना प्रतिशत विश्वविद्यालय है तो 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट शिशु मृत्यु दर, यानी कि प्रति हज़ार जीवित जन्म पर 2011 15 में चौंतीस से कम होकर 2016 से 20 में कितना हो गया है तो ये हो गया दोस्तों 31 परसेंट क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं दोस्तों शिक्षा की स्थिति पर विचार करते समय किस आयु समूह में स्कूल की उपस्थिति में कोई लैंगिक असमानता नहीं है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा पंद्रह से उनचास वर्ष का आयु समूह दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पंद्रह से उनचास आयु वर्ग में फिफ्टी नाइन परसेंट जो है वो महिला है 15 से 17 वर्ष आयु में पैंसठ परसेंट जो है वो लड़कियां ही स्कूल जाती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी में आते हैं दोस्तों झारखंड में कितना प्रतिशत महिलाएं एनीमिया रोग से पीड़ित है तो सेवेंटी वन परसेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कल्याण विभाग ने 2019-20 के दौरान आवासीय हाई स्कूल में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है तो ई लर्निंग क्वेश्चन नंबर फोर्टी में आते हैं दोस्तों आई एस के अनुसार झारखंड में दो हजार के बीच कितना वर्ग किलोमीटर गैर वन भूमि को वन भूमि में रूपांतरित किया गया है तो इसका हो जाएगा दोस्तों सौ वर्ग किलोमीटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में आते हैं दोस्तों झारखंड में कुल कितने प्रकार के पौधों की प्रजातियां पाई जाती है तो एक सौ सतहत्तर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में आते हैं दोस्तों सी डब्ल्यू एम आई दो हजार उन्नीस के अनुसार गैर हिमालयी राज्यों में झारखंड का रैंक कितना है तो सत्रह है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में आते हैं दोस्तों झारखंड अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रवाह में कितने स्थान पर है तो ये भी 17वें स्थान पर है और दोस्तों आपको बता दूं कि झारखंड जो है वो घरेलू पर्यटक परिवार में जो है वो आपका तेरह स्थान पे है जिसमें अगस्त 2019 तक राष्ट्र पर्यटकों में 41.2 परसेंट की वृद्धि हुई है अंतर्राष्ट्र पे सत्रहवें स्थान पे और घरेलू पे ये जो है तेरहवें स्थान पे पर इसे ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 आर्थिक सर्वेक्षण 2020 हजार के अनुसार झारखंड में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाया गया है तो चार किलोमीटर इसे ध्यान में रखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ऊर्जा सांख्यिकी दो के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अक्षय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता क्या है तो उन्नीस मेगावाट दोस्तों 19,489 मेगावाट है इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें तथा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें जय हिंद जय भारत